मम्मी थोड़ी ना बीच में आएगी। मम्मी तुम नानी ले लो, मम्मी मैं घर आ जाऊंगी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, आप सब कैसे हो? हम तो अच्छे हैं, बस हमारा रोज का ब्लॉगिंग शुरू जो ऑन टाइम रहता है। तो अभी सौरभ सो रहे हैं, देखो हम तो चाय रखे हैं उनका, यार अभी तक आए नहीं, उठ गए हैं। उठने के बाद भी नींद आ रहा, आलस वाला मौसम है यार, मतलब एनर्जी नहीं रहता है। बच्चों का स्कूल रहता है तो एनर्जी रहता है एकदम। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? क्या बना रही है बाबू? बैगन का भरता। बैगन का भरता, ओह माय गॉड। और परौंठे, परौंठे बैगन निकाल दी कहाँ? बॉयगन देखो कैमरा सेट कर रही है, कैमरा सेट कर रही है। अरे हम दे देना तुमको, वो दे दे क्या? वही गिम्बल, रुक जाओ। अरे ले ना, ये देखो, बताओ, ये सब सामान खरीद के रखे हुए हैं, यूज नहीं करना है, आदत वही है ना पुराना वाला, बदलाव नहीं चाहिए जिंदगी में, ग्लास चाहिए। देखो ये लड़की जो है ना सोएगी जब तक नहीं, जब तक हम नहीं सोते, इसका स्कूल खुलने दो। बेटा आन्या, हालत देखो यार गर्मी का, क्या जबरदस्त गर्मी है, धूप देख रहे हो नीचे, अभी सुबह का 8 बज रहा है। ये देखो हमारे पत्ते मुरझा गए यार, पौधे सब देखो कैसे एकदम ऐसा लग रहा मुरझाया हुआ, रो रहा हो। पानी जो है वो सिंपी ही डालती है, तो हम सोच रहे हैं अभी डाल देते हैं। नया नया लगता पौधा लगा है क्या? नाश्ता क्या करवाएगी? नाश्ता ये देखो दोस्तों, इसमें बस टमाटर डाल दिए और थोड़ा हल्दी डालेंगे। मेरे सवाल का कोई अहमियत नहीं है। देखो धनिया पत्ता डालेंगे भाई, इतना सा मसाला और उसमें बैगन इतना बस। अरे बैगन का भरता का मतलब क्या है? यही तो क्या बैगन का क्वांटिटी कम। अच्छा क्या जुगाड़ू हो तुम, जुगाड़ू हो, जुगाड़ू हो। बैगन घर में था लेकिन फिर भी नहीं की है। ये अभी पक के इतना सा होगा सारा ग्रेवी, आपको देखिए कितना सारा हो गया। आप बोले थे कम है, इसमें 3 लोग खा लेगा। गजब बनाई है भाई, गजब बनाई है भाई। अरे इधर गजब बनाई है, गजब। क्या तरीका है, एक पौधा में पानी डाल के दूसरा पौधा में दूसरे बालकनी में छोड़ दिए है। वीडियो में दिखा दे के देखो दोस्तों, एक बालकनी यार वीडियो में दिखाए ना दिखाए, एक पूरा काम करते हैं हम। देखो मेरे हाथ में ये अभी हम जाके पानी डाल रहे हैं, असलियत पकाया अभी किचन में हम इसको। गजब बेइज्जती है भाई। अभी हम जाके देखे ना, बस एक पॉट में पानी डाल के बालकनी में छोड़ दिए है। देखो दोस्तों हमारे लड़ाई के बीच में मत पड़िए, हम लोग का तो चलता रहेगा। फिलहाल हम जा रहे हैं नहाने, नहीं तो हो जाएगा लेट। अन्या जो है उसको उठना है नहीं, सोते रहती है इतना लेट लेट तक ना, मतलब क्या बोले, स्कूल जैसे ही स्टार्ट होगा पता नहीं कैसे उठेगी, उस समय तो 7 बजे बस आ जाती है इनकी। नाश्ता कर लिया जाए यार। इसमें पिएगी क्या? क्या इसमें पिएगी? नहीं अभी निकालना है आपके लिए ग्लास, बस निकालना है और उसके जल्दी। देखे शक्ल, शक्ल तो देखे, बड़ा जल्दी नींद खुला आन्या। हाँ बोलो, ब्रश व्रश हुआ? एक बिना ब्रश की आते फल, ये मम्मी का है, मम्मी जा रही है ब्रेकफास्ट करने के लिए, आप पहले ब्रश करो। चलो जी शाम में मिलते हैं, बाय सुना। बहुत गर्मी है यार देखो ना, बाय। वहाँ ये वाइट ब्लू वाला भी है, दोनों दे दो। एक इंसान दो ईयरफोन लेके, अरे एक फोन का है और एक इसका है यार। आज तो बिल्कुल दरवाजे के सामने गाड़ी लगी है हमारी यार, ये सही जुगाड़ है। अन्य कौन सुबह सुबह चॉकलेट खाता है बेटा? अरे हेल्प की ना, टेबल साफ की। क्या मतलब, क्या तुमको बोले क्या हम साफ करने के लिए?
तुम तो खुद से बोली मम्मी काम दो, मतलब तुम काम करोगी तो इसके बदले में तुमको कुछ चाहिए, गिफ्ट चाहिए, मतलब चॉकलेट दो, ये दो, देखे जरा चेहरा। दोस्तों एकदम थक गए हैं काम करके, हिम्मत नहीं हो रहा है कुछ भी करने का। हम दोनों माँ बेटी को ऐसा आलस हुआ है कि कुछ करने का मन नहीं हो रहा है। अरे मैं ये भी नहीं नहाए, हम भी नहीं नहाए। अरे अरे उतरो तो नीचे। और गाइस मैं अभी झाड़ू पोछा कर लूंगी तुम्हारा। दीदी बोली कि हमेशा डेली नीचे जाने का जरूरत नहीं, इतना गर्मी है कि बता मत सकना चाहे, कि बता मत सकना चाहे। ऐसा गर्मी कभी होता है क्या? दीदी मतलब इसकी बुआ है ना, मतलब अपनी बुआ को दीदी बोलती है, तो वही बता रही है। गाइस गाइस लोग को नहीं पता है ना। अरे वो बैंगलोर। हाँ बैंगलोर तो तुम तो, और बुआ है तो तुम दीदी। पुतुल क्या पुतुल ऐसे बोलोगी? दीदी ब्लॉग देखती है, तुमको बोलेगी मेरा नाम पुतुल पुतुल बोलेगी। क्यों रो रही हो पूरा आंख में आंसू भर के? हाँ क्या हुआ? वो आई थी तितली। कहाँ तितली है? किधर? वो तीन दो बार का है। कहाँ दिखाओ? किधर दिखाओ? ये देखो ये किधर? ये किचन में। कहाँ किचन में है? ये इधर है, देखो। किधर भाई? बटरफ्लाई से डरता है क्या? हाँ कोई बटरफ्लाई से डरता है जो ऐसे चिल्ला चिल्ला के रो रही है? बताओ गाइस लिटरली हम काम कर रहे थे, ऐसा चिल्लाना शुरू किया, ऐसा रोना कि जैसे लगा पता नहीं क्या हुआ, हड़कंप मचा दी एकदम पूरे घर में। अचानक से इतनी तेज आवाज की पूछो मत, हम बोले आनिया क्या हुआ, आनिया क्या हुआ? नहीं भाई एकदम मेरा हार्ट बीट तेज हो गया, इतना जोर से चिल्लाई है नहीं लड़की। और देखो आके यहाँ कैसे बैठी है शांत से। कोई बटरफ्लाई से डरता है क्या? गंदी बटरफ्लाई है। नहीं बटरफ्लाई अच्छी होती है, कितनी सुंदर होती है, कलरफुल। हाय गाइस तो अभी हम लोग खाना खा रहे हैं, आलिया का पसंद का बूंदी का रायता। देखो अभी ये देखो रायता और रोटी बस खा रही है, थोड़ा सा बैगन का भरता लिया है। और गाइस मेरा भी खाना नकली पे बर्गर पिज्जा चल रहा है, लास्ट टाइम हम देखे थे वो वाला बर्गर पिज्जा वाला। क्या बर्गर पिज्जा वाला? एनियन मैनी। कौन है वो जो यूट्यूब में दिखा जाता है ना वो? ये देखो फिंकी सो रही है ना, अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है ना सोने में। मम्मी मम्मी उठो, थोड़ा लाइट जला देते हैं। सोने दो ना यार थोड़ा देर। हाय गाइस अभी हम स्कूटी चला रहे हैं, अब देखते हैं सिंपी उठती है कि नहीं। और हम दिखाई ना फिर से बताते हैं, आपको समझ में नहीं आया आज के लोग को करते हैं, तो उम्मीद करते हैं आज का लोग पसंद आए। पसंद आए डूगी भी टू थम्स चैनल पे हो, डूगी भी टू थम्स चैनल पे हो डालते हैं। अगले वाले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय फॉर नाउ। बाय फॉर टू पिलो। आज तुम पूरा दोपहर सोई नहीं, पूरा घर बिखेर दियो। और तुम्हारा तुम्हारा वो तो आंटी लोग रुचि आंटी हमको डांटती थी, वो बोली एक दिन हम स्लाइड में जाने ही नहीं दे रहे थे किसी को भी नहीं। चलो दूध पी लो, दूध कोई ठंडा हो रहा है को भी नहीं। अच्छा ठीक है तो आंटी लोग अच्छे के लिए डांटती है बेटा, आप स्लाइड से गिर जाते तो चोट लग जाता ना, हाइट पे जा रहे थे इसीलिए आपको आंटी डांटी। आंटी भी डांट सकती है बेटा, ऐसा कोई बात नहीं है। नहीं आंटी नहीं डांट सकती। ठीक है चलो। क्या है किचन में खड़ी है गर्मी में? देखो दोस्तों जा रहे हैं आनिया का पसंद का भिंडी बनाने। क्या खाना है भिंडी? हाँ ये मेरे सामने खड़े होके कट करवा रही है मम्मी, इतना 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 भिंडी खा लेगी अकेले? ये सारा हम लोग का भी है, हम लोग भी तो खाएंगे। और इतना सच दच के कहाँ जाने का तैयार हुई है? बोलो मेकअप करके एकदम हर समय। पर एक है बच्ची अपने से अपना बाल बल बना लेती है, मम्मी का वेट नहीं करती है, एकदम कंगी वंगी करके मस्त रहती है। देखो ना कैसे शर्मा रही है, तारीफ करो तो। देखिए थोड़ा शक्ल देखिए। चलो गाइस भिंडी कट की हूँ यहाँ, थोड़ा करेला भिंगो के रखी हूँ यहाँ पे, तो इसको भी कट कर लेती हूँ, खाना बनाती हूँ जल्दी से। इनको देखो कितना प्यार आ रहा है कि मम्मी पसंद का खाना बना रही है। ऐसे ही सौरभ भी करते हैं जब उनको अपने पसंद का खाना मिलता है ना, कि अच्छा खाना बनाया तो अरे वाह क्या बनाई हो।
आ गई जी अपनी गाड़ी 5367। दोस्तों कितना अच्छा टेस्टी करेला बना, एकदम ड्राई। अभी हम लोग खाएंगे, पापा का वेट कर रहे हैं, है ना। देखो दोस्तों बहुत टेस्टी, और हम लोग घर के नीचे चलेंगे। कितना सॉफ्ट, ड्राई करेला मस्त बना एकदम। क्या, ओह माय गॉड, मम्मी क्या बनाई है, काफी अच्छा स्मेल आ रहा है। बैगन का कुछ बनाई है ना, आइस क्लोज बैगन, बैगन चलो। अरे आइस क्लोज है, आइस क्लोज क्यों, क्योंकि कुछ है सरप्राइज आपके लिए, आइस क्लोज। देखो भाई हम सच में एकदम जेन्युइन हो के आप क्लोज किए, बैग रखे कहीं पे उसको। ओ बैगन, यही तुम हमको दिखाने ले आई थी, चिप्स। ये चिप्स नहीं है बेटा, पापड़, पापड़। नहीं नहीं, ये हाथ धोए हैं आप पहले, आके हाथ धोए, आके बच्चे की तरह खाने लगते हैं। तो आके बच्ची हमको ले गई, तुम कहीं अलाउ की, नहीं तो आपको बोल देती कि मोजा भी खोल लेते। सुनो बाबू, बच्ची का हम क्या बोली थी, आने देखने ना, देखने नहीं सरप्राइज देने बोली, बस सरप्राइज में आदमी कुछ भी कर। ये देखो दोस्तों, होली वाले दिन ऑफिस पहन के गए थे, एक्रिलिक पेंट लगा दिया, बताओ टी शर्ट बर्बाद हो गया, इतना प्यारा टी शर्ट मुंह में पूरा लगाया, ये देखो ये खराब हो गया। अब क्या करें, इसको घर में पहने या कोई तरीका है तो बताओ यार इसको हटाने का। तो दोस्तों अगर आप लोग में से किसी को पता है कि एक्रिलिक पेंट जो है वो कपड़ों से कैसे निकालते हैं, तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये पेंट जो है वो निकल जाए और मैं टी शर्ट दोबारा से पहन। वाह सिंपी, आज तो एकदम गजब हो गया, आते आज खाना मिल रहा है हमको, थैंक यू सो मच। आपके कारण लेट होता है, ठीक है, हम खाना टाइम पे बना देते हैं, आपके कारण होता है। ओह माय गॉड, प्लेट में लेके खाओ चिप्स, पूरा गिराओ नहीं होगा। रोज सुनना पड़ता है यार, कैसे सुधरेगा जिंदगी है क्या। लेकिन हमको बैगन है ना, क्या है, हाँ अब बताइए ना क्या है, बरबट्टी है क्या, क्या है बरबट्टी ना, आपको समझ नहीं आ रहा क्या है, हमको थोड़ी ना चाहिए, कसम से नहीं समझ आ रहा है क्या, बताओ ना यार, ऐसा कलरफुल सब्जी तो तुम बनाती हो नहीं। बोले थे ना दोस्तों आपको भी पीछे, हम ब्लॉग में बोले थे कि एकदम आदमी को शांति नहीं मिलता है कभी भी, बना रहे हैं पर पसंद नहीं आएगा। आई किसका है, मेरा, हमको डाइटिंग करवा रही हो तुम, बाबू का है ये, आपका है, मुआ का है, बना के खा रही है, खाओ टेस्ट करिए। आप तो बोल रहे क्या बनाई हो, कैसा बना है करेला, तो भरवा जैसा बना है यार, करेला भरवा जैसा, आपको भरवा खाने का मन था ना, तो भरवा नहीं बना पाए, बिज्जा था बहुत। कैसे कैसे सिकुड़ गया, जब मैं खा रही थी तभी, खाना खाते हाथ सिकुड़ने लग रहा है, लाओ हम खिला दें। देखो बेटा पालक वालक दाल खाओगी ना बहुत ताकत मिलेगा। कपड़ा पसारना है क्या, ये तो सत्य कथा है सिंपी, सत्य कथा है, ये देखो इतना बर्तन धोई है अभी तक, वीडियो ट्रांसफर हो रहा है बेटा, क्या बोल रही है, नीचे, कहाँ, नीचे जाना है, नीचे क्यों, क्योंकि मुझे मन कर रहा है, छोड़ो ना बेटा, ना, क्या, नहीं जाना, नहीं जाना है, ने, ने, ने। क्या तुम निकल रही है, हाँ चलो हम आ रहे हैं यार, ये वीडियो भी अपलोड हो गया, मैं भी अब नीचे जाता हूँ। कितना दिन बाद आज निकले हैं रात में टहलने के लिए यार, आज हवा तो चल रहा है बड़ा तेज, लेकिन इतना गर्म है ना ये हवा, जैसे लग रहा है सुबह का लू चल रहा हो। कहाँ गई सिंपी,
घास में चलो भाई, चांद देखो आज। जो भी इस चांद का टुकड़ा सबसे पहले यहाँ पे लेके आएगा वो मेरा शौहर बनेगा। क्या बोला तूने? क्या? ओ वाओ, खेलो खेलो, जंप नहीं बेटा। ये देखो मित्र मंडली में बैठ गई अपना, हम तो टहल ले भाई, जिस काम के लिए आए थे वो कर लेते हैं। क्या अभी कपड़ा डाल के आए हैं ना? हाँ, और अभी जाएंगे आपको दिखेगा सारा कपड़ा सूख चुका है। हाँ तो तुम्हारा इतना गर्म हवा चल रहा है, जैसे हेयर ड्रायर नहीं चलाती हो। हाँ, सेम वैसा लग रहा है। हाँ क्या मस्त मौसम हुआ है यार, ये देखो ऊपर चांद छुप रहा है, आ रहा जा रहा है, और एक चांद हमारे सामने भी है, ये भी चमक रहा है चांद। अरे हाय, कभी तो इज्जत दे दिया करो। ऐसे थोड़ी इज्जत, ऐसे देते हैं क्या? क्या चलो अब हम लोग तो जा रहे हैं। सिंपी इसको छोड़ो, चलो अब घर। बोली थी तुम गंदी बच्ची हो, तुम जबरदस्ती बोल रही हो तब वो तुमको बोली। क्या हाँ क्या, चलो घर। मम्मी क्या अन्या, टाइम तो देखो 10:30 हो रहा है। सख्त मम्मी पापा है। चलो चप्पल खोलो और अंदर। गजब लड़की है, कहे इतना रोती हो, कहे रो रही थी इतना? हाँ दिखाओ इधर मुंह, इतना प्यारा सा चेहरा, इसको रोने के लिए थोड़ी ना बनाया गया है। हे गाइस, चलो अभी ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप, और चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप अपने फोन से ढेर सारा कमेंट से भर दीजिए हमारे इस ब्लॉग को। तो चलो मिलते हैं हम आपसे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। बाय फॉर नाउ।